सभी देशवासियों को आज 10 अप्रैल यानी विश्व होम्योपैथी दिवस की मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याणम ग्रुप कल्याणम होम्योपैथी और अवध क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से ढेरों शुभकामना देता हूं। आज इस संकट की घड़ी में मैं आप लोगों को एक ऐसा महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जो आपके जीवन के लिए और प्रेजेंट टाइम में इस कोरोना रूपी संकट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान पूर्वक एक एक बात को दीजिएगा और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आज के डेट में, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने आप को मजबूत रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना इतना आसानी से मेरे पास नहीं आ सकता। आज हमारे लगभग 500 से ज्यादा कोरोना पीड़ित भाइयों ने अपने जज्बे के दम पे ये दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। देखिए आज सुबह रामायण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, भगवान रामचंद्र जो है वानरों की सेना लेकर के जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने सेना को एक मंत्र दिया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि विजयी होने के लिए आपको उत्साह और ईश्वर पे भरोसा, अगर दो चीज होगा तो विजय आपकी निश्चित है। इस समय हम सभी देशवासियों को उत्साहित रहना है, बिल्कुल उत्साह से लबरेज रहना है और ईश्वर पे भरोसा रखना। देखिए जब हम शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो उत्साह मेरा ऐसे ही बढ़ेगा। आइए मैं आपको कैसे अद्भुत मंत्र देता हूं कि आप बहुत आसानी से और बहुत ही सरलता से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। देखिए, भूल कर भी इस समय आप ठंडे पानी का सेवन मत करें। फ्रिज का प्रयोग केवल और केवल सब्जियों के लिए ही करें, आप फ्रिज का पानी बिल्कुल ना लें, हो सके तो आप फ्रिज चलाएं ही ना। दूसरी चीज, भरपूर नींद लें, नींद आप प्रॉपर तरीके से लें, बिल्कुल किसी भी बात का इस समय चिंता बिल्कुल मत करें। मानसिक रूप से अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखें, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी कोई कहे, आपको इस समय बिल्कुल ही क्रोध नहीं लाना। दूसरी चीज, आप गर्म पानी का सेवन करें, पौष्टिक आहार लें और इसके साथ ही साथ अब आपको देखिए अपनी दिनचर्या कैसे करनी। सुबह उठना है और प्रातः काल उठना है। देखिए इस समय सोने के लिए शाम को समय भी हर व्यक्ति के पास प्रॉपर है, आप लोग समय से सो जाइए और सुबह सूर्योदय से पहले हर हालत में उठना है। और देखिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि कम संसाधनों में कम एक्सरसाइज में कम प्राणायाम में भी हम अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, नित्य क्रिया करने के बाद आप बैठ जाइए अपने लॉबी में गैलरी में, बस सिर्फ 10 मिनट मेरे भाइयों, सिर्फ 10 मिनट। देखिए क्या करना है आपको, देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोरोना हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, तो हमारे जो है श्वसन तंत्र को यानी रिस्पायरेटरी पावर को स्ट्रांग रखना,
इसके लिए क्या करना है आपको, आप बैठ जाइए, बैठने के बाद आंखें बंद करिए और मात्र घड़ी देख करके 10 मिनट आपको सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करना। घड़ी देख करके देखिए कि मैं कितनी देर तक सांस रोक सकता हूं। आप 5 बार 4 बार 6 बार अपने क्षमता अनुसार सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करिए, जिसे आप कुंभक कहते हैं। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10-10 मिनट आप करें। दिन में आप गर्म पानी पीते रहें, पौष्टिक आहार लेते रहिए और रात में भरपूर निद्रा लें। इसके साथ ही साथ देखिए, मैं होम्योपैथी की कुछ दवाएं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए रामबाण होगी। इस समय इसका कैसे प्रयोग करना, देखिए आप 4 दवा नोट कर लीजिए, आर्सेनिक, जेलसेमियम, नेट्रम सल्फ और अर्जुना। अब इसका यूज आर्सेनिक 30, जेलसेमियम 30 और अर्जुना मदर टिंचर और नेट्रम सल्फ 30। देखिए आर्सेनिक सुबह 5 बूंद, जेलसेमियम दोपहर 5 बूंद, नेट्रम सल्फ शाम को 5 बूंद और अर्जुना 15-15 बूंद सुबह शाम आपको गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में आपको इस समय लेना। दोस्तों आप देखिएगा कि आपको इतनी अच्छी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी कि आप खुद ही प्रसन्नचित रहेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं कि कोरोना जो है ज्यादातर 60 से ऊपर एज वालों को, ये तो आप लोग सुने हैं जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बता दूं कि कोरोना ज्यादातर मेल में होता है। आप कहिए क्यों, उसके पीछे आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं। ये सर्वे की बात है, ज्यादातर अभी तक जो डेथ हुई है, ज्यादातर जो कोरोना के केसेस देखे गए हैं वो फीमेल की अपेक्षा मेल में ज्यादा। देखिए किसी न किसी कारण से मेल जो है नशे का भी प्रयोग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, जिससे उनका इम्यूनिटी पावर, उनका जो है रिस्पायरेटरी रेट कमजोर हो जाता है। और एक और भी महत्वपूर्ण चीज है कि मेल के अंदर जो है थोड़ा सा धैर्य की भी कमी होती है। और अगर साइंस की बात करें तो देखिए जेनेटिक आप लोग चीज पढ़े होंगे तो मेल एक्स और वाई गुणसूत्र होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो एक्स एक्स में जो हार्मोन होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये फीमेल के अंदर जो है उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली मेल के। दोस्तों आप लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दिमाग में रखें और इसको अमल में ले आइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपकी प्रसन्नता, आप अगर प्रसन्नचित हैं, खुशहाल हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो किसी भी समस्या से आप अपने आप को उभार सकते हैं। तो हमारे देश से, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना यथाशीघ्र चला जाएगा। हमें अपने आप को मजबूत रखना है, दृढ़ निश्चय बनाकर रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।